بسم الله الرحمن الرحيم. मेरा नाम आयशा कमाल है और मैं लाहौर से हूँ। मैं इस्लामिक कैलीग्राफी करती हूँ और मैं ये इस्लामिक कैलीग्राफी पिछले 10 साल से कर रही हूँ। बचपन से ही कुरान पाक मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी तो मुझे फील होता था कुरान पाक के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन। कुरान पाक के वर्ड्स हैं, कुरान पाक के लफ्ज़ वो मुझे ऐसे नज़र आते थे तो मैं उनको हवा में ही लिखने की कोशिश करती थी। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था कि मैं उसको लिखूं, कलर्स में लिखूं, रंगों में। 10 साल से इसको बाकायदा कर रही हूँ। शुरू शुरू में घर वाले भी कहते थे कि नहीं करना, नहीं मतलब बस शादी कर लो, ये वो काम नहीं करना, बस तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो लेकिन शौक था तो मैं लगी रही। आर्टिस्ट की को वैल्यू नहीं है। गैलरीज वाले सबसे ज़्यादा तो वो डिसार्ट वही कर देते थे कि जी आपका काम सेल नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, रख दें पेमेंट्स में। जी पेमेंट अभी नहीं है, सेल होगा तो फिर देंगे। मेरी पेंटिंग जो दुबई में क्रिस्टीज़ में ऑक्शन हुई थी तो वो 2014 में हुई थी। उसके बाद अमेरिका गैलरीज में मेरी पेंटिंग गई। बाहर यूरोप से जब मुझे एग्जीबिशन की ऑफ़र आई तो मुझे दिल में बहुत ख्याल आ रहे थे कि नहीं ये पता नहीं उधर कैसा रिस्पांस होगा। लेकिन जब वहाँ पे एग्जीबिशन हुई सब कुछ तो बहुत मेरी उम्मीद से ज़्यादा उसको लोगों ने पसंद किया। फिर मैंने उधर मास्टर क्लास की। लोगों को समझ नहीं थी अरबी की क्या लिख रही हैं क्या, लेकिन वो आर्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इज्जत मिल रही है, इतना काम कर रही हूँ तो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो अब घर वाले बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। अब देखें गैलरीज वाले मेरे पीछे पीछे कि वो कहते हैं हमें काम चाहिए। अब ये है कि बाहर एग्जीबिशन कर आई हूँ सब कुछ तो अब वैल्यू, ये बात नहीं होनी चाहिए आर्टिस्ट के साथ। आर्टिस्ट को पहले अपने मुल्क में तो इज्जत मिले, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं पहले बाहर जाके सब कुछ करके आओ, जब तो फिर अब मैं नहीं उनको काम, मेरे पास नहीं, टाइम नहीं है। मैंने स्टार्ट में नहीं सोचा था कि मुझे इस काम से इतना रिस्क मिलेगा। मैंने नहीं सोचा था, सच कह रही हूँ। तो मुझे तो ये काम करके सुकून मिलता है। इस सुकून में शायद अल्लाह ताला को मेरी ये बात इतनी पसंद आ गई है कि उसमें रिस्क भी लिख दिया। अगर दीवार पे पेंटिंग लगी हुई है ना तो उस पर जो लिखा हुआ है वो एक दफ़ा तो वो दिन में वो देखते होंगे और वो पढ़ते होंगे, तो जाहिर है पढ़ने का सवाब मिलता है कि अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊँगी तो मेरा नाम ज़रूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में तो होगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है।